हाँ देखिए ना भाई, ये खबर सबसे रहेगा मीडिया में टॉप खबर। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, खेती बाड़ी और बहुत सारे कार्य हम लोग के ऊपटी से होता था, इसलिए हम लोगों ने अपने मतलब की मदद से, ग्रामीण के मदद से तहसील करके हम लोग अपने आप बनाए हैं। क्या चीज़ बनाए हैं? ये पुलिया का निर्माण किए हैं, चाली का निर्माण किए हैं नदी में, पंचानी नदी में। तो ये कितना खर्च हुआ इसमें? इसमें लगभग 1,00,000 रुपया खर्च हुआ मिनिमम। पैसा आया कहाँ से? मतलब कि हम लोग तहसील करके बनाए हैं। नहीं, मुखिया के कोई मदद नहीं किए हैं, हम लोग ग्रामीण मिल करके सब अपने सहयोग से तहसील करके भारम भार बनाए हैं हम लोग। कितना गांव इससे फायदा होगा लोगों को? इससे बहुत सा लोग का फायदा है, मई फरीदा पंचायत के भी बहुत से लोग रोपनी ओपनी सब ये सब शहीदी के आते हैं। इसे क्या बना है? श्रमदान से अपने अपने घर से बिहरी करके बनाए हैं, जनता के पैसा से बनाया। विधायक जी के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे और एक सड़क है इसके बगल में, उसके लिए भी हम लोग को किसी को अगर तबीयत खराब हो जाता है तो ले जाने में बहुत परेशानी होती है। एक बाइक भी हमारे गांव में नहीं आ पाता है। तो ये पुलिया से फ़ायदा क्या होगा? पुलिया से फ़ायदा हुआ हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए या मंदिर जाने के लिए, उस पर बहुत कठिनाई कर 2 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता था। ये पुलिया बनाया है, बना क्या है? ये बाँस का चाली है, नीचे पाइप दिया गया है लोहा का 3 इंची और 6 इसमें अथी आपको बाँस गड़ा हुआ है। और आशा करता हूं कि अगले हमारे विधायक जी या कौशलेंद्र जी के पास भी गए हैं और बोले कि इसमें सैदली है, सैदली के पूरा पूरे गांव तहसीलें हैं, करीब 1 से 1.25 लाख रुपया के बीच खर्च आया है। इससे लाभ हो जाता है, बासक सैदी है, मई है, 3-4 गांव के आवे जाए में बहुत कठिनाई होता है। यहाँ के 2-4 व्यक्ति जनता दरबार में भी जाके एप्लीकेशन दिए हैं, मैं सरकार के माध्यम से सरकारी काम नहीं हुआ, मेरी सब अपना श्रमदान से तहसील के चाले के निर्माण किए हैं कि तत्काल में आवे जाए की सुविधा हो। और आपकी चैनल के माध्यम से आप इसको ऐसा ढंग से चला दीजिए कि जिसमें आपकी माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सही दल्ली उधार हो।